हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज की जो वीडियो है हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर है। उन्होंने हमसे पूछा था कि अगर हम एस्फाल्ट पेमेंट का वर्क कर रहे हैं और खासकर हम ओजीपीसी और सील कोट का वर्क कर रहे हैं, तो देखिए जब ओजीपीसी और सील कोट का वर्क हम करते हैं तो इसका जो बिटुमन कंटेंट हम टेस्ट करते हैं वो हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं, यानी कि हम ओजीपीसी का अलग कर लेते हैं और सील कोट का अलग कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर कंस्ट्रक्शन होता क्या है दोस्तों, आफ्टर कंस्ट्रक्शन ये जैसे हम यहाँ देख रहे हैं इमेज में, ये हमारा एक ओजीपीसी का सरफेस है जिसे हम ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट होता है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जो वॉइड्स होते हैं, जो आप गैप्स देख रहे हैं, इसको बिल्कुल फाइन मटेरियल से हम इसके जो वॉइड्स हैं वो फिल कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब हम प्लांट पर इसका हॉट मिक्स बना रहे होंगे तब हम इसका जो ओजीपीसी का बिटुमन कंटेंट अलग टेस्ट कर सकते हैं और जो सील कोट जो फाइन मटेरियल है इसका बिटुमन कंटेंट हम अलग टेस्ट कर सकते हैं। बट आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये जो सील कोट होता है दोस्तों ये हमारे ओजीपीसी के साथ क्या होता है, मर्ज हो जाता है, जिसके कारण आफ्टर कंस्ट्रक्शन इसका बिटुमन कंटेंट अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए परमिसेबल लिमिट क्या होगी। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल के लिए समझते हैं कि हम जब हमें बिटुमिन कंटेंट डिजाइन किया हमने तो ओजीपीसी का आ गया हमारा 3.6% और सील कोट का आ गया हमारा 7.2%। तो प्लांट पर तो हम जब हॉट मिक्स प्लांट पर तो हम इसको अलग अलग टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ये सील कोट हो जाएगा तो इसका जो कम्बाइंड बिटुमिन कंटेंट है वो कितना आना चाहिए, वो हमारा मेन कंसेप्ट आज हम समझेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और टेबल की हेल्प से भी हम इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत भूलना। और आप भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई आपकी क्वेरी है, कुछ आप समझना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आप हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, वहां पर हमसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब एक टेबल बनाएंगे हम जिसमें हम पहले डिजाइन करेंगे ओजीपीसी के लिए बिटुमिन कंटेंट, फिर डिजाइन करेंगे सील कोट का बिटुमिन कंटेंट और फिर इनका कंबाइंड बिटुमिन कंटेंट भी हम डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है जैसे रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, वेट ऑफ बिटुमिन रिक्वायर्ड, ये जो वैल्यूज आप देख रहे हैं ये वैल्यूज आपको ओजीपीसी के लिए भी और सील कोट के लिए भी आपको मोर्थ में मिल जाएगी, एमओआरडी में मिल जाएगी, SP20 में मिल जाएगी, या रूरल रोड आपकी जो हैंडबुक होती है वो उसमें भी आपको ये मिल जाएगा कि आपको कितना एग्रीगेट डालना है और कितना बिटुमिन डालना है। ठीक है, तो ये आपकी फिक्स वैल्यू है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना सिर्फ वर्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जो हमने ओजीपीसी के लिए निकाली है 1470 kg पर क्यूबिक मीटर और सील कोट की निकली है हमारी 1450 kg पर क्यूबिक मीटर। नहीं निकालना आती है तो ऊपर आई बटन में वीडियो मैंने दे दी है, वो आप देख लीजिए, क्योंकि बिना वर्क डेंसिटी निकाले आप इनका बिटुमिन कंटेंट डिजाइन नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट ओजीपीसी के लिए अगर बात करें तो वो है हमारी 0.27 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। पहले हम ओजीपीसी का कर लेते हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर हमें देखना वेट ऑफ बिटुमिन रिक्वायर्ड, वो है हमारा 14.6 केजी पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। ठीक है, यानी कि 0.27 हमें एग्रीगेट डालना है और उसमें मिक्स करना 14.6 केजी बिटुमिन को पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में। ठीक है, अब हमने नंबर 3 पे निकाली वर्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, तो वो है हमारी ओजीपीसी के लिए 1470 केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके राइट, अब देखो हमारे पास एग्रीगेट का वॉल्यूम है जो है हमारा 0.27 और एग्रीगेट की डेंसिटी है, डेंसिटी हमारी 1470 kg, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर हम करेंगे तो जो वेट ऑफ एग्रीगेट है वो हमारा निकल आता है। ठीक है, ये हमारी जो दोनों वैल्यूज हैं वो पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए दी हुई हैं, तो पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा एग्रीगेट कितना लगेगा, कितना वेट लगेगा, तो वो हमें केजी में निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर देंगे। कैलकुलेटर भी मैं यहाँ पे ला लेके आया हूँ तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा वॉल्यूम है 0.27 और डेंसिटी कितनी है 1470। ओके, तो हमारा एग्रीगेट का वेट निकल के आ गया 396.9, जो हमने यहाँ पर लिख लिया 396.9 केजी पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। ओके, फिर हमें क्या निकालना है दोस्तों,
वेट ऑफ टोटल मिक्स इन 10 स्क्वायर मीटर एरिया, जिसको हम एग्रीगेट प्लस बिटुमेन भी बोलते हैं। देखिए हमारा एग्रीगेट कितना लग रहा है 10 स्क्वायर मीटर एरिया में, 396.9 केजी। जब हम इसमें बिटुमेन ही मिला देंगे जो है हमारा 14.6 केजी, तो ये एक हमारा हॉट मिक्स बन जाता है, क्योंकि बिटुमेन में बिटुमेन और एग्रीगेट मिलाकर ही हमें क्या बनाना है, ओजीपीसी बनाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एग्रीगेट का वेट और बिटुमेन का वेट जोड़ देंगे, जो है हमारा 14.6 केजी हमारा बिटुमेन का वेट और एग्रीगेट का वेट है 396.9 केजी। तो हमारा वेट ऑफ टोटल मिक्स हो जाएगा 411.5 केजी। चाहो तो मैं आपको जोड़ के दिखा देता हूँ, 396.9 हमारा एग्रीगेट का वेट आया था, इसमें बिटुमेन का वेट जोड़ दो हम 14.6, तो ये हो गया हमारा 411.5 केजी हमारा टोटल मिक्स पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हमें लग जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका बिटुमेन कंटेंट। देखिए बिटुमेन कंटेंट का फार्मूला जब आप देखेंगे तो उसका फार्मूला होता है वेट ऑफ बिटुमेन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल मिक्स इनटू 100। तो हमारा 2 क्या है, 2 है हमारा वेट ऑफ बिटुमेन जो है 14.6 केजी, और 5 क्या है हमारा वेट ऑफ मिक्स जो है हमारा 411.5 केजी, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। चलिए करके देख लेते हैं, बिटुमेन है 14.6 केजी, ओके, और एग्रीगेट कितना, मिक्स कितना है हमारा, वो है 411.5 केजी, और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 100 से। तो हमारा जो बिटुमिन आ गया है ओजीपीसी के लिए वो आ गया 3.5479। तो हमने यहाँ पर 3.547 बिटुमिन कंटेंट ले लिया है ओजीपीसी के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं सील कोट पे। सील कोट के लिए रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है बिटुमिन की, वो है 0.06 क्यूबिक मीटर पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। बिटुमिन रिक्वायर्ड है 6.8 केजी पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। बल्क डेंसिटी है सील कोट की 1450 केजी पर क्यूबिक मीटर। तो इसका हमें वेट कन्वर्ट, वेट में निकालना है कि कितना किलो वेट हो जाएगा इसका। तो हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से फिर निकालेंगे, वॉल्यूम हमारा 0.06 प्लस, और इसका डेंसिटी कितना है, मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से 1450। तो एग्रीगेट का वेट हो गया हमारा 87 केजी पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया। ओके, फिर इसके बाद हमें निकालना है वेट ऑफ मिक्स। तो एग्रीगेट में जो एग्रीगेट का वेट आया 87, इसमें हम बिटुमिन का वेट जोड़ेंगे तो हमारा वेट ऑफ टोटल मिक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 93.8 केजी। अब इसी प्रकार से फिर आगे हम इसका बिटुमिन कंटेंट निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे बता देता हूँ, हमारा बिटुमिन कितना लग रहा है सील कोट में 6.8 केजी, मिक्स का वेट आया है 93.8 केजी, डिवाइडेड बाय करेंगे 93.8 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा हो गया 7.249। तो हमने यहाँ पे 7.25 इसको राउंड ऑफ करके लिख लिया है। चलो अब ये तो बात हो गई कि भाई ओजीपीसी सील कोट हमने इंडिविजुअल इनके बिटुमिन कंटेंट डिजाइन कर लिए, इतना तो आप सब कर लेते हैं। इसके आगे प्रॉब्लम आती है कि जब हम आफ्टर कंस्ट्रक्शन इनका बिटुमिन कंटेंट निकालेंगे तो हम इनकी एवरेज वैल्यू नहीं ले सकते हैं। एवरेज वैल्यू क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जो सिलकोटी क्वांटिटी है वो है 0.06 क्यूबिक मीटर और ओजीपीसी क्वांटिटी है 0.27 क्यूबिक मीटर, यानी कि दोनों के जो एप्लीकेबल वॉल्यूम है या एप्लीकेबल वेट है आपके पर स्क्वायर मीटर एरिया में वो डिफरेंट है। इसलिए हमें जो कंबाइंड बिटुमिन कंटेंट है इसका एवरेज वैल्यू नहीं ले सकते। अगर ये दोनों बराबर होते तो हम इन दोनों की फिर एवरेज वैल्यू यहाँ पर कंबाइंड में ले सकते थे। तो अब कंबाइन कैसे डिजाइन करेंगे वो हम बताते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, कंबाइन के लिए ओजीपीसी प्लस सील कोट का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, वो हमारा हो जाएगा 0.27 प्लस 0.06। कैलकुलेटर से करके हम देख लेते हैं, लगेगा हमें ओजीपीसी में, ओके, और 0.06 लगेगा हमें सील कोट में। तो 0.33 क्यूबिक मीटर हमारा टोटल एग्रीगेट हमें लग जाएगा ओजीपीसी प्लस सील कोट मिला के, ओके राइट। अब हम निकालेंगे टोटल बिटुमिन कितना लगेगा, टोटल बिटुमिन हमारा ओजीपीसी में लग रहा 14.6 केजी और सील में लगेगा 6.8
8 kg ओके राइट। तो 21.4 हमारा लगेगा टोटल बिटुमेन कंबाइंड के लिए। चलिए अब हमें इनकी डेंसिटी है, देखिए कंबाइन की डेंसिटी इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ओजीपीसी अलग बिछाना है, सिलिकॉन अलग ले करना है, इसलिए इसकी कंबाइन डेंसिटी हम नहीं निकाल सकते हैं। अब हम निकालेंगे, हमारे पास दोनों के वॉल्यूम है, रिक्वायर्ड बिटुमेन है, और हमने ओजीपीसी के लिए भी हमने मिक्स जो एग्रीगेट है निकाल के रखा है और सील कोड के लिए भी एग्रीगेट निकाल के रखा है। तो ओजीपीसी का एग्रीगेट हमारा निकला हुआ था 396.9 और सील कोड का एग्रीगेट था हमारा 87। तो टोटल एग्रीगेट हो जाएगा ओजी प्लस सील कोड 483.9। तो 483.9 केजी पर 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हमारा कंबाइंड हम देखें तो हमारा एग्रीगेट लग जाएगा। अब हमें क्या निकालना, वेट ऑफ टोटल मिक्स। तो ओजीपीसी के लिए हमारा एग्रीगेट जो मिक्स का वेट आया वो आया है 411.5 प्लस 93.8। तो टोटल मिक्स हमारा लग रहा है 505.3 केजी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास टोटल मिक्स का वेट भी आ गया है 505.3 केजी और टोटल बिटुमेन का वेट भी आ गया है। तो बिटुमेन कंटेंट का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बिटुमेन कंटेंट के लिए होगा वेट ऑफ बिटुमेन 21.4 हो रहा है हमारा, इसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ मिक्स से, वो है हमारा 505.3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो कंबाइन बिटुमेन निकल के हमारा आ रहा है 4.235, जो हमने यहाँ पर लिख लिया है 4.23%। यानी कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन अगर हम इसको चेक करना चाहें तो हमें इस पर्टिकुलर डेंसिटी वाले जो मिक्स है सील कोट और ओजीपीसी का, उसका कंबाइन बिटुमेन कंटेंट 4.23% मिनिमम आना ही चाहिए। मिनिमम से मतलब इसमें 0.3 प्लस या माइनस हो सकता है आफ्टर कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, ओके फ्रेंड, तो आई होप वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सीखना चाहते हैं या मुझसे पूछना चाहते हैं या आप खुद बताना चाहते हैं, कोई अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पर है तो फेसबुक पर ही ग्रुप हमने बना के रखा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना सब्सक्राइब किए मत जाना चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाना और दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करते जाना। ठीक है फ्रेंड, टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।